हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 को। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 डील करता है मीन प्रॉफिट के ऊपर। ये मीन लिखा जाता है इंग्लिश में MESNE, लेकिन इसको पढ़ा जाता है मीन प्रॉफिट। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं मेजने प्रॉफिट, बहुत से लोग कहते हैं माइन प्रॉफिट, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ये है मीन प्रॉफिट। अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मीन प्रॉफिट होता क्या है। मीन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रॉन्गफुली पोजीशन में आके कोई प्रॉफिट वो रिसीव करता है, या हो सकता है वो एक्चुअली तौर पे प्रॉफिट ना रिसीव कर रहा हो, लेकिन वो रिसीव कर सकता था अगर वो कुछ थोड़ा सा एफर्ट करता। इसको इंटरेस्ट के साथ जोड़ा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो खुद कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करता है, अगर उससे प्रॉफिट मिल रहा है तो उस लाभ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मेन प्रॉफिट क्या होता है? मेन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति जो है किसी अचल संपत्ति को रॉन्गफुल तरीके से उसको हथिया लेता है या उसमें रहने लगता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है, और उसको कब्जे में लेने के बाद उस अचल संपत्ति से जो लाभ मिल रहा है उसको रिसीव करने लगता है। या हो सकता है कि डायरेक्ट तौर से लाभ ना मिल रहा हो, लेकिन अगर वो कुछ एफर्ट करता तो वहां से लाभ मिल जाता, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये मेन प्रॉफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा कोई लैंड है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको कब्जा कर लिया। अब उसने उस लैंड का इस्तेमाल नहीं किया किसी काम के लिए, कोई भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो अपना वहां पे बैठक बाजी करता था, गाड़ी खड़ी करता था, बस इतना ही करता था। अब जब मैंने न्यायालय के अंदर उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया उसको वहां से बेदखल करवाने के लिए, तो मैंने न्यायालय के अंदर ये कहा कि अगर मुझे वहां से मीन प्रॉफिट भी चाहिए वहां से, क्योंकि वो जब तक वहां पे था, अगर वो वहां पे ना होता तो मैं वहां पे गन्ना लगा देता, गन्ने की खेती कर देता, या कोई और ऐसी चीज वहां पे बुआ देता जिससे मुझे काफी लाभ मिल जाता। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना तो उसने वहां से प्रॉफिट रिसीव किया, लेकिन मैं वहां पे अगर होता जितने टाइम तक वो कब्जे में था तब तक मैं ये सारी चीजें बुआ के पैसा कमा लेता। उसी तरीके से ये घर के केस में भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है घर में आपके घुस गया, ट्रेसपासर है, या हो सकता है कि आपका टीनेंट हो, किराएदार हो, आपने लीज पे पट्टे पे दी हुई अपनी प्रॉपर्टी, लीज का टाइम पूरा हो गया है, टेनेंसी एट विल है, आपने नोटिस भी सर्व कर दिया तब भी नहीं छोड़ रहा है, उसके बाद जो रह रहा है वो रॉन्गफुल पोजीशन है। अगर कोई प्रॉफिट वो रिसीव कर रहा है तो वो मेन प्रॉफिट हो जाएगा। या मान लीजिए कोई प्रॉफिट नहीं रिसीव कर रहा है, अब आपने इस बात का न्यायालय में दावा किया कि जिस जगह पे वो रह रहा था अगर वो निकल जाता तो मैं वहां पे दुकान किराए पे दे देता, दुकान बनवा देता, वहां दुकान से मैं इतना प्रॉफिट ले लेता, तो न्यायालय इस चीज को कंसिडर करने के बाद आपका मेन प्रॉफिट डिसाइड कर देगी। तो ये मेन प्रॉफिट होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई अगर आप किसी प्रॉपर्टी, किसी अचल संपत्ति को, मेन प्रॉफिट ध्यान रखिएगा हमेशा अचल संपत्ति का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर आप एंटाइटल हैं तो अगर आपको कोई बेदखल कर देता है तो ये एक तरीके का कंपेंसेशन होता है कि भाई तुमने बेदखल कर दिया, अब जब कोर्ट से डिग्री आ गई है तो तुम अपना आराम से निकले जा रहे हो, तो खाली आराम से निकले मत जाओ, अब वहां पे मैं रह के जितने जितने भी तरीके से लाभ कमा सकता था वो सब तुम्हें देना पड़ेगा एज अ कंपेंसेशन। तो मेन प्रॉफिट की डिग्री पास कर देगा कोर्ट कि इतना मेन प्रॉफिट तुम्हें देना है। अब ये मेन प्रॉफिट किस किस केसेस में हो जाता है, जैसे इसको समझिएगा किस किस केसेस में हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि किराएदारी के केस में हो जाता है, लीज पे दिए हुए हैं, पट्टे पे दिए हुए हैं, लीज एट विल है, टाइम पूरा हो गया है, नोटिस आपने दे दिया फिर भी रह जा रहा है। मॉर्गेज के केस में भी हो सकता है, बंधक के केस में भी हो सकता है, भाई हमने आपको अपनी संपत्ति दिया अचल संपत्ति, आपसे बदले में कोई पैसा उधार ले लिया, टाइम हो गया, अब मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप दे ही नहीं रहे, वापिस ही नहीं कर रहे मेरी प्रॉपर्टी, अब आप उसके अंदर जो लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है लाभ, आप अपना उसको इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। तो रिडेम्पशन के केस में भी हो सकता है, फोर क्लोजर के केस में भी हो सकता है, मॉर्गेज के, ये चीज़ें ऑलरेडी, ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मॉर्गेज के टॉपिक में, जब हमने मॉर्गेज की वीडियो बनाई थी टीपीएम में उसके अंदर हमने फोरक्लोजर और रिडेम्पशन इनके ऊपर भी बात करी थी। तो इन केसेस में भी आप जो है मेन प्रॉफिट के लिए दावा कर सकते हैं। या कोई ट्रेसपासर है घर में घुस गया आपके ज़बरदस्ती, या कई लोगों ने मिलकर आपको निकाला, अगर कई लोग मिलकर निकालते हैं आप सबके अगेंस्ट मेन प्रॉफिट का जो है वाद दाखिल कर सकते हैं, मतलब सबके अगेंस्ट आप दावा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पांच लोगों ने आपको आपके घर से निकाला है, आप पांचों के अगेंस्ट कर सकते हैं, भले ही वो ना रह रहे हो, चार चार तो रही ना रहे हो, रह सिर्फ एक रहा हो, वो चारों जो है लाइबल हो जाएंगे देने के लिए। अब इसके अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 बता रहा है कि इसके अंदर इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा, यानी न्यायालय के डिस्क्रिशन के ऊपर है, न्यायालय चाहे तो इसके अंदर और इंटरेस्ट भी जोड़ सकता है कि तुम्हारा इतना पैसा तो बन ही रहा है मेन प्रॉफिट एज अ मेन प्रॉफिट, इसमें इतना इंटरेस्ट भी जोड़ देगा न्यायालय के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कितना इंटरेस्ट जोड़ना है।
हालांकि वो इंटरेस्ट 6% से ज़्यादा नहीं होगा, 6% पर एनम से ज़्यादा नहीं होगा वो इंटरेस्ट। अब इसके अंदर जो है कोर्ट जो है कुछ चीज़ें डिडक्शन भी करेगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी आपका कोई मकान है, अब आपका मकान है, अब कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर रॉन्गफुली पोजिशन में चला जाता है, अब आपने मेन प्रॉफिट का क्लेम तो कर दिया कि मेन प्रॉफिट के लिए डिग्री पास हो, लेकिन अब वो व्यक्ति जो रह रहा था उस मकान के अंदर वो घर का हाउस टैक्स दे रहा था, वाटर टैक्स दे रहा था, तो इस तरीके की जो और वो रेवेन्यू और जो टैक्सेस वो जमा कर रहा था उनको डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है हम लोगों का मेन प्रॉफिट।